सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो गया? ठीक है, मज़े में केमचो, मज़े में। ओके ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है ना, क्लास 11th के अकाउंट्स कर रहे थे हम। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, पार्ट टू मैंने बना दिया ऑलरेडी, खूब सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट थ्री। ओके ठीक है, तो आज हम क्या समझने वाले हैं सर जी? आज हम समझने वाले हैं असेट्स। असेट शॉर्ट में ए ऑब्लिक एस लिख सकते हो, स्पेलिंग पूरी होती है ऐसे। असेट्स, असेट्स का मतलब संपत्ति, असेट्स का मतलब परिसंपत्ति या संपत्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं, संपत्ति। संपत्ति का मतलब, असेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, आसान भाषा में असेट्स का मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होता है जी सर जी, आपकी कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी है ना। और प्रॉपर्टी किसकी? बिजनेस की। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, यानी बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस ने जो भी खरीदा हुआ है, बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है ना, तो बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलेंगे? असेट बोलेंगे। तो प्रॉपर्टी है, हाँ, पहली बात तो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी है, दूसरा कि वो रिसोर्सेज है, बिजनेस के रिसोर्सेज भी बेसिकली बिजनेस की प्रॉपर्टी है। और क्या बात बोल सकते हैं हम? और बात ये बोल सकते हैं कि है ना, उनके लिए हमने पैसा पे किया है ना, फ्री में तो मिली नहीं है, पैसा पे किया है। दूसरी चीज़ और क्या बोल सकते हैं? एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ और क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा हमें, क्या मिलेगा उससे? हमें क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मतलब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से फ़ायदा मिलेगा, मतलब इन फ्यूचर हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे उससे। मतलब आज हमने पैसा लगा के चीज़ें खरीदी हैं, तो बेसिकली आपके बिज़नेस के अंदर जो भी चीज़ें आपने खरीदी हुई हैं, जो भी चीज़ें आपने खरीदी हैं, है ना, तो बेसिकली वो सब आपकी क्या है? असेट है। तो समझ में आया? असेट मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गया होगा ये। सो असेट क्या होती है? तो असेट मैं फिर से क्लियरिफाई कर देता हूँ जल्दी जल्दी। असेट का मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है ना, असेट्स का मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। और इकोनॉमिक क्या मिलेगा उससे? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा उससे। प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी आपकी जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, और साथ ही साथ उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है, उसकी मनी में कोई ना कोई वैल्यू है, उसकी कीमत है कोई ना कोई। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, व्हाट इज़ असेट, तो आपको ये तीनों बातें बोल देनी है, तो आपका असेट क्लियर हो जाएगा। असेट इज एनी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय द बिजनेस, और वो बिजनेस की है। ओन्ड मतलब ऑनर है बिजनेस, उसका मालिक है ना, ठीक है। ऑनर कौन है? बिजनेस है उसका, ओन्ड बाय द बिजनेस, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, ओन्ड बाय द बिजनेस है ना। तो इसका मालिक कौन है? असेट का मतलब कोई भी संपत्ति है, कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, जिसकी मॉनेटरी कोई ना कोई वैल्यू है, और जिसका मालिक कौन है? बिजनेस है कि नहीं? तो समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा। ओके, इतना समझने के बाद हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ असेट्स। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ असेट्स। असेट्स कितने टाइप की हो सकती है? तो बेसिकली तीन टाइप की हो सकती है। बेसिकली कितने टाइप की हो सकती है जी? तीन टाइप की। करंट असेट, सबसे पहले हम बोलेंगे करंट असेट, फिर बोलेंगे हम नॉन करंट असेट है ना, और तीसरी फिक्टीसियस असेट। तो तीनों को पहले क्लियर करते हैं, करंट असेट, नॉन करंट असेट और फिक्टीसियस असेट क्या होती है। ओके जी, क्लियर करते हैं। तो करंट असेट क्या है? तो करंट असेट मतलब वो चीज़ें खरीदी जो विद इन ईयर यूज़ हो जाएंगी, है ना, विद इन ईयर यानी एक साल के अंदर अंदर वो विद इन ईयर यूज़ हो जाएंगी, या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैश में बदल जाएंगी या कन्वर्ट हो जाएंगी, है कि नहीं। वो सारी चीज़ें जो आपका एक साल के अंदर अंदर पैसे में पैसा बन जाएंगी या पैसे में बदल जाएंगी। जैसे मान लो आपने माल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, अब कच्चा माल है कि आप भाई 2-4-10 साल तो उसे नहीं रखोगे ना, उसे कच्चे माल को क्या, कच्चा माल खरीदा आप उसे क्या कर दोगे? बेच दोगे थोड़े टाइम, तो बेचने से क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। यानी कच्चा माल आपका क्या है? करंट असेट है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, और आगे चलते हैं। कच्चा माल हो गया, तो माल हो गया, और मान लो डेटर मतलब वो लोग होते हैं जिनको आपने उधार दिया है, यानी कल को आप उनसे पैसा क्या करोगे? पैसा लोगे, है ना। डेटर मतलब जिनसे पैसा लेना है, तो यानी वो लोग भी जो डेटर लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, तो वो भी कैश बन जाएगा ना, एक साल के अंदर अंदर हम उनसे पैसा ले लेंगे, कैश बन जाएगा, तो डेटर भी हमारी क्या होगी? करंट असेट है। तीसरा, जैसे BR हो गया, बिल रिसीवेबल, इसको क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। बिल रिसीवेबल का मतलब किसी बंदे को हमने माल बेचा और एक बिल बना लिया कि हाँ उसने प्रॉमिस कर दिया 2-6 महीने के बाद वो पैसा दे देगा, तो वो भी कैश में बदल जाएगा। तो करंट असेट का मतलब क्या हुआ? इन शॉर्ट करंट असेट का मतलब हुआ कि वो कोई भी संपत्ति जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। ओके जी, अब दूसरा टाइप समझा देते हैं। दूसरा टाइप कौन सा हमारा? दूसरा टाइप तो नॉन करंट असेट होता है ये स्पेलिंग, है ना, नॉन करंट असेट। तो नॉन करंट असेट क्या होती है? चलो इसको समझ लेते हैं।
ओके तो नॉन करंट एसेट समझ रहे थे ना हम। नॉन करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट का मतलब है, एसेट का मतलब संपत्ति, यानी बिजनेस ने खरीदा है। बिजनेस ने क्या किया? खरीदा है बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिजनेस खरीदता है आप, जैसे मान लो मशीन खरीदी है, मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है कि नहीं, मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, तो बहुत सारी चीज़ें, कार खरीदी है, ट्रक खरीदा है। तो ये कोई भी जो भी बिजनेस है उसने ये सारी चीज़ें खरीदी है। मान लो कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस है उसने ये सारी चीज़ें खरीदी है। अब पॉइंट ये आता है, क्या ये सारी चीज़ें उसने बेचने के लिए खरीदी है? बेचने के लिए खरीदिए? नहीं। आप बोलोगे नहीं सर, ये तो उनसे बिजनेस करने वाला है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जो भी चीज़ें खरीदी हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदी हैं, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए जो भी चीज़ें खरीदी हैं, है ना, वो उसका बहुत आगे टाइम तक साथ देंगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो चीज़ें देने वाली हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिन चीज़ों से मिलने वाला है ना, जो चीज़ें हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से खरीदी हैं, जो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी हैं, लंबे समय के लिए खरीदी हैं, जिनसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट आने वाला है। और लास्ट पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि नॉट फॉर रीसेल, यानी हमने रीसेल के लिए ये चीज़ें नहीं खरीदी हैं, है ना। और एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि हम इससे क्या करेंगे, बिजनेस जो भी हमारा है, बिजनेस ऑपरेशन में मदद मिलेगी, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको, बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे, बिजनेस को चला पाएंगे, है कि नहीं। तो ये इतने सारा क्लियर हो गया होगा कि नॉन करंट असेट क्या होती है। तो देखो मैंने कितने सारे पॉइंट बता दिए है कि नहीं, तो आप इन चीज़ों को फिर से मैं बता देता हूँ फटाफट, क्या कर देता हूँ बता देता हूँ। जैसे ऑपरेशन के लिए नॉन करंट असेट वो है जो बिजनेस के ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, ऑपरेशन पर्पज़ के लिए खरीदी है, जो बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदी है, जो लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए खरीदी है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिन चीज़ों से मिलेगा, नॉट फॉर रीसेल, वो रीसेल के लिए नहीं खरीदी गई है। आई होप समझ में आ गया होगा कि नॉन करंट असेट क्या होती है। तो अब इसमें फिक्स, अब नॉन करंट असेट को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नॉन करंट असेट को किस में डिवाइड कर सकते हैं? फिक्स असेट, नॉन करंट को हम फिक्स असेट हो गया, तो फिक्स असेट हो गया। फिक्स असेट मतलब जो जो हमने चीज़ें खरीदी हैं, और जो हैवी चीज़ें हैं, और जो फिजिकल चीज़ें हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। तो फिक्स असेट को भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिक्स असेट का मतलब जो रीसेल पर्पज़ के लिए हमने नहीं खरीदी है, जो लंबी जैसे कुछ भी अभी मैं समझा रहा था ना आपको, क्या समझा रहा था, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, सब हमारी क्या है, फिक्स असेट है। तो फिक्स असेट में भी दो टाइप की हो जाती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। कौन सी हो जाती है जी? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब आपने जिन्हें देख सकते हो, छू सकते हो, है ना। इनटेंजिबल मतलब जिन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो इंटेंजिबल होगी। तो सर ऐसा कहाँ होता है? जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग को तो आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो टेंजिबल होगी। लेकिन इंटेंजिबल मतलब जैसे सॉफ्टवेयर, कंपनी के अंदर क्या होता है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी तो उनके सॉफ्टवेयर है, तो उनको तो देख सकते, छू नहीं सकते। जैसे उनके ट्रेडमार्क है ना, ट्रेडमार्क जैसे आपने सुना होगा, एडिडास का निशान है, नाइकी का निशान है, रीबॉक का सिंबल्स होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, है ना, उनके लोगोज होते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो भी उनकी सालों साल चलती रहती हैं, फिक्स असेट है, उनके लिए उन्होंने पैसा पे किया है, लेकिन वो कैसी है, इंटेंजिबल, आप उनको छू नहीं सकते, है ना। लास्ट वाला पार्ट छोटा सा रह गया है, तीसरा वाला पार्ट उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। तीसरा वाला पार्ट था हमारा फिक्टीसियस असेट का मतलब ना तो ये टेंजिबल हैं, ना तो आप इन्हें देख सकते हो, है ना, और ना ये इंटेंजिबल है, ना तो देख सकते हो ना देख पा रहे हो, दोनों कैटेगरी में नहीं आएंगी। मतलब जो दोनों कैटेगरी में नहीं आएंगी, ना तो वो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है। टेंजिबल आप छू भी नहीं सकते, और टेंजिबल मतलब छू सकते हो तो नहीं छू सकते, और इंटेंजिबल दोनों ही नहीं है, मतलब है कि नहीं, सीधी सी बात है। तो फिक्टीसियस तीसरे टाइप की, जैसे मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट किया, इसको हम ऐसे समझते हैं, एडवर्टाइजमेंट किया मतलब जैसे मान लो कि हमने एडवर्टाइजमेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट में मान लो कि हमारा इतना मान लेते हैं, दस लाख, तो 10 लाख रुपए खर्चा किया। अब 10 लाख रुपए जो खर्चा, वो हम क्या कर रहे हैं, बड़ा खर्चा हो गया। 10 लाख रुपए का जो खर्चा है, हमें इसका बेनिफिट आगे आने वाले 10 साल में मिलेगा, है ना। तो 1-1 लाख रुपए, यानी एक लाख रुपए हम हर साल अपने प्रॉफिट में से निकालते रहेंगे। लेकिन भाई जो, यानी इस 10 लाख जो हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ, जो खर्चा हुआ, बेसिकली ये बेनिफिट ही हमारी असेट हो गई हमारी के तरीके से। लेकिन कौन सी असेट हो गई? फिक्सीसियस असेट हो गई। इसका मतलब है कि इसको हम सेटलमेंट अगले 10 साल में करेंगे। हर साल हम क्या करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, हर साल हम 1-1 लाख निकालेंगे। एक साल फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से निकाल लेंगे, तो 9 लाख का असेट बची रहेगी। फिर अगले साल 1 लाख और निकालेंगे, यानी हमने 10 लाख तो एक ही बार में पे कर दिया, 10 लाख तो हमने एक ही बार पे कर दिया, लेकिन आने वाले 10 साल तक हम 1-1 लाख रुपये अपने प्रॉफिट से निकालते रहेंगे, है ना। और जो बचा रहेगा वो फिक्टीसियस असेट बची रहेगी, और लास्ट में जाके 10 साल बाद वो क्या हो जाएगी, 10 साल बाद वो क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी। आई होप जल्दी जल्दी मैंने सारा समझा दिया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ ऐसे रिवाइज करके दोबारा देख लेना, है कि नहीं, सारा समझ में आ जाएगा। और थैंक यू सो मच। और अगर पूरा देखा है आपने, यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और
अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, उन्हें भी मज़ा आएगा, है कि नहीं, इस तरीके पढ़ने में जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। और डाउट बताइए कि सर ये नहीं समझ में आया, आगे नीचे मैं कमेंट्स में भी आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।